तो मार्शल इन पे नहीं भोंकना, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी। अपना बंटी और बबली भाग दो, भाग दो, आप आराम से खाएं, मैं आपके साथ हूँ, आपके पास हूँ, फिकर नॉट, परेशान नहीं होना। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी हम फिर से आरे पे हैं, वो रहा जहाँ से हमने अपने बैल के लिए कुंड लिया था। तो कुंड भी साथ ले जाएंगे, बैटरी और सोलर प्लेट जो है वो भी साथ चली जाएगी, और कबूतरों का घर भी बनवाया था। यहाँ से हम छोटा कुंड लेंगे अपने जो भेड़ के बच्चे हैं उनके लिए इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह जी, हमारे दोनों मेमने जो है ना ये घूम रहे हैं, प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। इनकी धुलाई हो जाए ना और भी ज्यादा प्यारे हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी इनको नहलाते हैं, यहाँ पे पानी आ चुका है। ये गया शैम्पू, अब अच्छे से इसे हल करना। और अब हम नहलाएंगे अपने शहजादी और शहजादे को। यार कोई बर्तन नहीं है ऊपर पानी डालने के लिए। ज्यादा करप्ट हो गए हैं ना बाल, इन्हें तो कितने टाइम पानी में रखना पड़ेगा, लेकिन फिर ज्यादा ठंड लग जाएगी। एक दो तीन चार दफा नहलाना पड़ेगा, फिर जाके इनका कलर साफ आएगा। बालों में ना पता नहीं क्या क्या फंसा हुआ है, एक दो बार और नहाएंगे साफ हो जाएंगे इंशाल्लाह। मेरी चप्पल एक जो है वो बह गई है, ये मेरी गलती, बह के आ गई थी। ओए पकड़ो पकड़ो पकड़ो, अब ये देखे ना इन बालों पे पता नहीं क्या चीज़ है यार, बाल भी इनके बहुत बारीक होते हैं। खाओ खाओ, चुगो चुगो, धूप में फिरो ऐसे माशाल्लाह। अभी सूख जाएंगी, गर्मी बहुत ज़्यादा है, ये चेहरे पर पसीना आ रहा है अभी, हालांकि पानी से निकला हूँ। मार्शल इधर आओ, यहाँ पे मिलो बंटी और बबली से। ये जी हमारी बबली है और ये हमारा बंटी है, ये नाम रखे हैं क्योंकि जब वो एक बकरा और बकरी देखी थी ना, उनका नाम बबलू था, बकरे का बकरी का उन्होंने नहीं रखा हुआ था, तो वहाँ पे हमने बबली रखा, तो बबलू और बबली। फिर हमने चेंज किया क्योंकि कमेंट बॉक्स में बहुत सारे व्यूवर्स ने कहा था कि नाम रखें बंटी और बबली, तो इस तरह से ये हमारी बबली और वो बंटी, यानी बंटी और बबली की जोड़ी ये है जी, बंटी और बबली। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मार्शल ये अपने हैं, ये भी आपकी तरह ही हैं, इन पे नहीं भौंकना। मार्शल जो है ना ये सख्त खिलाफ होता है जो भी हमारे खेतों में बाहर से जानवर आता है, तो मार्शल इन पे नहीं भौंकना, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी। हाँ ये अपने ही हैं, अपना बंटी और बबली। ओए भाग दो, भाग दो, आप आराम से खाएं, मैं आपके साथ हूँ, आपके पास हूँ, फिकर नॉट, परेशान नहीं होना, कुछ नहीं होता, अपना ही मार्शल है। ये देखे ना इसके बालों में ये कुछ जड़ी बूटी के बीज जो है ना ये फंसे हुए हैं, ये मुझे लगा जैसे कोई कीड़े फंसे हों, लेकिन नहीं जी, ये जड़ी बूटी के बीज हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ ये बेचारे चुगते रहे हैं और कहाँ कहाँ से इनके बालों में ना फंस गए हुए हैं। भाई बहुत दिन लगेंगे इनकी सफाई होते होते, ज़्यादा देर पानी में रहते ना तो इनको ज़ुकाम हो जाना था, और अभी धूप भी सेक रहे हैं और घास भी खा रहे हैं, मुझसे लाड़ियाँ भी कर रहे हैं, ये पास आए हुए हैं और मार्शल को देख देख के ना ये डर रहे हैं। मार्शल भाग जाओ, भगाते हैं मार्शल को ताकि ये आराम से चुग सकें। और हमारा जो है ना गंगा भी आ चुका है, गंगा तो मुझे नहीं लगता इनके बालों में ये गंगा चलेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ओए हो, लेकिन अगर ये गंगा चल जाए ना क्या ही बात हो। और रुको रुको रुको, ऐसे ऐसे
बारीक साइड तो ज़्यादा मुश्किल होगी मेरे ख्याल से। हाँ पता नहीं क्या क्या फंसा हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह जब ये साफ़ हो जाएंगे ना कंघा आराम से ऐसे चलेगा स्मूथ। माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह कुंड जो है ना ये आ चुका है, अभी इसे खेत में लेके जाएंगे इंशाल्लाह। ज़्यादा ऊंची आवाज़ से नहीं बोल सकता, अगर मोहम्मद ने सुन ली ना तो बाबा मैं भी जाऊंगा खेतों में। तो वो खेतों में फिरता थोड़ा तंग करता है, ओपनली मैं वहाँ पे घूम फिर नहीं सकता, बस मेरे पीछे पीछे ही रहता है वो। फिलहाल इसे लेके जाते हैं ज़ू में इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम। साढ़े वाले छोटे ने ओके जी बेहतरीन माशाल्लाह। मिट्टी कहीं इधर थले कर छोड़ी हमारी बकरियों का यानी बंटी और बबली का कुंड जो है ये तैयार हो गया। अब जो भी चारा डालना हो इसी के अंदर डालेंगे, इसी के अंदर से वो खाएंगे और मज़े करेंगे इंशाल्लाह। जब से बंटी और बबली आई है ना ये टर्की मिस्टर टर्की जो है ना इन्हीं के पास रहता है और इन्हें डराने की कोशिश करता है, ऐसे बड़ा सा होकर ऐसे करके पास जाता है, वो नहीं डरते फिर पीछे हट जाता है। इसका मतलब ये काटता शाटता कुछ नहीं, बस अपनी शेप से ही डराता है जिसे भी डराता है। थोड़ी देर बाद इसे हम अंदर ज़ू में ले जाएंगे क्योंकि सूरज जो है वो ग़ुरूब होने वाला है, तो अभी चुग रहे हैं। जैसे जैसे दिन ढलता जाता है ना जानवर परिंदे ज़्यादा चुगने और घास चरने की कोशिश करते हैं। मोहम्मद बिलाल कोई बात नहीं, बिलाल देखिए आपने बंटी और बबली क्या नाम रखा हमने मुझे ना पता बंटी और बबली। हाँ देखिए बंटी और बबली वो दो भेड़ के बच्चे कितना है अच्छे हैं भेड़ के बच्चे वो दूर जा रहे पास लाए ना आ जाते हैं वो अभी चुग रहे हैं ना फिर आ जाएंगे पास। हाँ, के तो आ रहे वो टर्की उनके पास ही है, टर्की जैसे उनकी रखवाली कर रहा है समझ से बाहर है, ऐसे ही है जैसे उनकी रखवाली कर रहा है, लेकिन शायद रखवाली कर रहा है या उन्हें डरा रहा है भगा रहा है। जी व्हाइट डॉग का है, व्हाइट डॉग बेटा पता नहीं कहीं भाग गया। उनका नाम है बंटी और बबली, बंटी और बबली ये जो है ना ये है बंटी और वो बबली है जो आ गया। ए लाल कछु नहीं कहती हम ऊपर मुंह कर लिया है ना अच्छे अच्छे हैं बाल इनके अभी गंदे गंदे हैं ना एक दो दिन में साफ हो जाएंगे। ओके बाबा बस क्योंकि जब ले लाएंगे साफ सूख जाना प्यारा अभी अभी भी गीले गीले हैं इनका मतलब बाल ही कुछ ऐसे हैं ना तो ये सूखे हुए नहीं हैं गीले गीले तो खतरा है कहीं बीमार ना हो जाए। इतनी जल्दी सूखते नहीं हैं क्या नहीं आजो 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 वो भी आ जाती है आजो 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 माशाल्लाह समझदार हैं पीछे पीछे आ रही हैं। आजो 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 जू के अंदर बुलाओ चलो जू के अंदर ये हमारे पीछे पीछे आ जाएंगे आजो घर आजो 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 ये लो घास खाओ घास। इनका साइज भी चेक कर लेते हैं परफेक्ट है, इतना परफेक्ट नहीं है लेकिन काम चलेगा। हमने चारा जो डालना है ना बड़ा बड़ा डालना है, काट के नहीं डालना, बेहतरीन रहेगा चारा गंदा नहीं होगा ये आराम से खा सकेंगे इंशाल्लाह माशाल्लाह। खाओ पियो मौज करो। बस थोड़ी सी घास ये भी खाते हैं फिर इन्हें बंद करते हैं हम पिंजरे में।
वो हमारी जी भट्टी और बबली अल्हम्दुलिल्लाह आराम कर रहे हैं। तो बस जी आज की वीडियो यही थी और यहीं पे ख़त्म करते हैं और इसी दुआ के साथ ख़त्म करते हैं कि अपनों में रहें, अपनों में खुश रहें और अपनों को खुश रखें और हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।